एसपी ऑफिस और इनका कहना है इनके साथ मारपीट हुई, मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पूछेंगे क्या मामला है, इनके हाथों में एफआईआर की कॉपी है। तो सबसे पहले मैं एफआईआर नंबर बताऊंगा, 482 एफआईआर नंबर है, 30/10/2023 को ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अंडर सेक्शन 323 और SC ST एक्ट 3 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। खेड़ी पुल थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हम पूछेंगे कौन से गांव के हैं और क्या मामला है, हर चीज़ की जानकारी देंगे। कहां से आए हैं आप लोग? मैं रहने वाला जी ओल्ड फरीदाबाद शास्त्री कॉलोनी का हूं और मेरा नाम सतीश कुमार है। मैंने क्या मामला है, थोड़ा मामला बताइए। मैंने एक प्लॉट मवई गाँव में लिया था जी। तो मैंने जब मवई गाँव में प्लॉट लिया था तो मैंने अपने प्लॉट पर कब्जा करने के लिए, मकान बनाने के लिए मैं गया था जी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो जनरल समाज के जो लोग थे, जो स्थानीय जो लोग थे, उन्होंने मेरे ऊपर पथराव कर दिया। पथराव किया जिसकी मेरे पास वीडियो भी है और ये बोला कि साले चमारो, तुम्हें हम यहाँ रहने नहीं देंगे। अब आप एक बात बताइए कि इस भारतवर्ष में 70 साल बाद भी ये जाति को लेकर इतना उत्पीड़न और इतना क्या नाम है जातिवाद और उस पर ये वारदात हो रही है। तो जाति देखकर हमला हुआ या आपकी रंजिश है कोई? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है जी। जाति देख के उन्होंने मेरे पर हमला करा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चमारो, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। कोई जमीन विवाद है आप लोगों का? मेरा उनसे कोई जमीन विवाद नहीं है। चोट कहाँ पर आई थी आप? चोट मेरी पीठ पर आई थी। चोट भाई कैमरा में, इनके चोट पे जो निशान है, पीठ पे चोट है। अच्छा जी, अच्छा मेडिकल वगैरह कराया था? हाँ जी, मेडिकल भी करा रखा है जी मैंने। अच्छा मेडिकल करा रखा है जी। अच्छा, तो मेडिकल भी करा रखा है। और क्या मांगे, सीपी ऑफिस पहुँचे हैं, सीपी साहब से मिले हैं आप लोग? सीपी साहब से हम 2 तारीख को भी मिले थे और आज भी मिले हैं। तो हमें 2 तारीख को भी आश्वासन मिला था और आज भी हमें आश्वासन मिला है। सीपी साहब ने बोला जी मैं ACP से मैं बात करूँगा। अच्छा जी, अच्छा, तो बातचीत नहीं हुई आपके ACP साहब से अभी? ACP से बात मेरी कब, तकरीबन 4-5 बार मेरी बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन ही दिया जी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अच्छा जी। और कल भी मेरी करंटली उनसे मुलाकात हुई थी। बात हुई, लेकिन कोई संतोषपूर्वक कोई जवाब नहीं दिया है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप ही कह दीजिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धीरज पाल है, मैं भीम आर्मी से पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, हमारे समाज में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं आज फरीदाबाद के अंदर, जबकि हमें अपने सीपी साहब पे पूर्ण भरोसा था कि वो इस चीज़ को जो खत्म करेंगे, जो अत्याचार किसी भी समाज पे है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब आए दिन ना अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये 30 तारीख की घटना है, आज आप देख लीजिए 28 नवंबर हो चुका है और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है, जबकि मामला SC ST एक्ट में दर्ज है। संविधान के अकॉर्डिंग, एज ए लॉ के अकॉर्डिंग, SC ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी है, तुरंत गिरफ्तारी है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें बेवजह आरोप लगा दिए जाते हैं कि गाली गलौज हुई और आपत्तिजनक शब्द बोले गए, इसके जो है ऐसे मामलों में जांच पड़ताल होती है, शायद इसी वजह से डिले हो रही होगी। हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है। तो जो वीडियो के अनुसार है तो वो तो 100% जी बिल्कुल सत्य है, उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ जी रसूख वाले लोग हैं। मैं नाम क्या है उनके? उनका जीतू नाम है जी, और जीतू नाम है और उसके फादर का नाम राजेंद्र है जी। सिर्फ एक नाम बता रहे हैं? और उनके साथ में 2 महिलाएं जी। अच्छा, जिन्होंने पथराव, जिन्होंने परिवार के लोगों पर आपका आरोप है? हाँ, वो परिवार के लोग हैं जी वो। तो इसमें समाज का कहाँ से आ गया कि समाज ने हमला कर दिया? नहीं, समाज ने हमला नहीं किया जी, एक परिवार ने हमला किया। वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैंने ये कहा है जी, समाज, हाँ पूरा समाज इसमें दोषी नहीं है जी। दिमाग में ब्राह्मण। हाँ, आप बताइए सर, आप बताइए मैडम, क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ भाई, जो सतीश भाई के साथ हुआ है, हम इन्हीं के साथ आए हैं। मेरा नाम पूनम है, सोशल वर्कर हूँ, बल्लभगढ़ से रहने वाली हूँ, लेकिन हम इनके साथ आए, हमने सुना, इन्होंने हमें बुलाया तो सीपी साहब से भी मिले, लेकिन हम कह रहे हैं कि पुलिस अपने तरीके से काम करे। तो ऐसे लोगों के जो मनुवादी सोच लेके बैठे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी पे इस प्रकार के हमले करने की, इस तरीके का आतंक बढ़ाने की। कि सरकार से यही हमें तो उनसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जब आपको प्रूफ भी दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया जाए।
क्यों उनको खुला छोड़ रखा है? तो कार्रवाई की मांग है आप? कार्रवाई की मांग है, कार्रवाई हो, उस भाई को न्याय मिले, उसको जबरदस्ती क्यों पीटा गया? होनी चाहिए, बिल्कुल जी कार्रवाई होनी चाहिए। सीपी दफ्तर पहुंचे हैं और इनका कहना है इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे सकता है। बाकी ये एक वीडियो दिखाना चाहते तो वो भी देख लेंगे। दिखाइए सर वीडियो दिखाइए, तब तक मैं FIR की कंटेंट पढ़ देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। और कुछ नाम होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नाम वगैरह हैं इसमें, देखते हैं। नाम है भैया, तीन नाम है, क्या पांच नाम है, राजेंद्र शर्मा, जीतू उर्फ जीतन शर्मा, कमलेश, राजेश, और इसमें लिखा है अन्य ब्राह्मण समाज के लोग। तो इन्होंने सीधा सीधा एक समाज पर आरोप लगा रहे हैं, तो हम चाहेंगे वो समाज के लोग भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन इस मैटर में दें, क्योंकि हम दोनों पक्षों की बात अपने चैनल पर रखते हैं। बाकी रिपोर्ट इन्होंने लिखाई है और रिपोर्ट में इन्होंने जो भी बोला है वही लिखा हुआ है। तो आगे भैया वीडियो आपकी, तो देख रहे हैं FIR दर्ज है 30/10/2023 का ये मैटर है। हाँ दिखाइए, कोई आपत्तिजनक चीज़ें हो तो नहीं दिखाइएगा आप। इन शब्दों का यूज किया गया आप लोग, आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल जी इन शब्दों का इसमें यूज है, हम नहीं बोलते वो शब्द, इन्होंने बोला है, वीडियो में भी सुनाई दिया है। वो भी है कि इनको मारो, मतलब अभद्र भाषा में जो है इनको मारो, वो वीडियो सबूत है तो कार्रवाई जरूर होगी। और जो भी सर हम यही तो कहना चाह रहे हैं, जब वीडियो है अधिकारी को दे चुके हैं उसके बाद भी अधिकारी क्यों एक्शन नहीं ले रहे, मतलब क्या ऐसा कारण रहा कि अभी तक इसमें जो है लीपापोती या हम समझ सकते कि लेट की जा रही है? क्या तावत साहब के पास आप आए हैं? सीपी साहब बड़े ईमानदार हैं, कार्रवाई जरूर करेंगे और जब कार्रवाई करेंगे आपको बताया जाएगा। मवई गांव में ये वारदात हुई है और खेड़ीपुल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, इन लोगों का यही आरोप है। प्रशासन पे ही भरोसा है, प्रशासन पे ही उम्मीद है, प्रशासन के सहारे जी रहे, दबे कुचले लोग कहाँ जाएंगे, प्रशासन ही तो सहारा है। चलो जी ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।